दोस्तों नमस्कार, योर वाचिंग भैया जी के बोल। अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप आए और वहीं पर पहुंच गए थे मकसूद चाचा। तो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा देखकर आए हैं मकसूद चाचा, उनसे जानते हैं कैसा रहा दौरा। तो जोरदार तालियों के साथ मकसूद चाचा। क्या बात है चाचा। चाचा मैं कह रहा बेटा झापड़ा मार दूंगा। आना अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। उनको गया मैं, देखो नहीं गया उनको गया। हाँ नमस्कार। तो चाचा मकसूद भाई सबसे पहले तो आप बस इतना बताइए कि कैसा लगा। मेरे को बेटा जो है ना थोड़ा सा खारा लगा। खारा? थोड़ा खारा। खारा लगा? आप डोनाल्ड ट्रंप को चाट के आ रहे हैं क्या? नहीं बोले करके ऐसी बात कर रहा तू। अरे मैं हलवा खा कर आया ना। अरे तो पर हलवा आपको हलवा खारा लगा? अरे हलवा खारा लगता किसी को? हलवा खारा नहीं लगा मेरे को। उसके मेरे मेरा कड़ी भी वो मेरे को थोड़ी सी खारी लगी। हम यहाँ पर आपके हलवे और कड़ी और अचार और पापड़ की बात नहीं कर रहे हैं। उसको रखिए अपने घर में, अपनी जेब में। जेब में रखूंगा बुरी गत के? जिधर रखूंगा जेबें गंदी होगी। तू धोएगा तो बात का है। नहीं मैं नहीं धोऊंगा, मैं क्यों धोऊंगा? और आप ये अपने घर की क्यों बात कर रहे हैं? तो तू मेरे घर में घुसा ना, मैं घुसा क्या? अरे चाचा मेरी बात सुनिए, हम आपके दौरे की बात कर रहे हैं। काहे? हाँ। लोगों को बता मेरे दौरे के बारे में। हाँ तो आपको दौरा कैसा पड़ा? बोली बच्चे आपका दौरा कैसा रहा? बहुत बेकार रहा मेरा दौरा। अहमदाबाद शहर अच्छा है। हाँ। अरे भीड़, अरे बाप रे बाप, भीड़ अपने आप ले जाती वहाँ मालूम क्या तेरे को? मैं उतरा ट्रेन से, इतनी भीड़ देखी, ट्रेन में वापस आ गया। अनसरा टीसी हकाल दिया मेरे को वापस। क्या बेटा, टिकट खत्म, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा बाहर नहीं तो जेल करा दूंगा। अरे बाप, मैं डर गया। अन लोगों से धो लिया, लोग मेरे को धकेलते ले गए। कहाँ? वो जिधर हवाई जहाज उतरते। अच्छा एयरपोर्ट? हाँ। तो आप एयरपोर्ट गए थे? अरे मैं गया नहीं, लोग ले गए मेरे को। अच्छा क्यों? चला गया तो फिर देखा वहाँ बहुत भीड़ लगी है। हाँ। लोग गुलदस्ते लेके खड़े। मैंने बोला भाई क्या हो रहा? हाँ। तो वो कहे लोग मेरे को कि पंप आ रहा। पंप? मैंने कहा पंप नहीं डोनाल्ड ट्रंप। हाँ वही, ऐसा कहे कि कोई आ रहा। अच्छा अच्छा। मैंने बोला कौन है भाई? तो बोला चाचा बाहर से आ रहे, अपने देश के नहीं है। मैंने बोला बाहर से आदमी आ रहा, अपनी जिम्मेदारी बनती उसका स्वागत करने की। बिल्कुल। मैं भी 200 रुपये का वो खरीदा गुलदस्ता, चला गया एयरपोर्ट में अंदर। उधर जो हवाई उतरते वहाँ पुलिस वाले खड़े। हाँ। रोक दिया मेरे को। मैंने कहा भैया वो बाहर से आदमी आए ले। हाँ। मेरे को जाने दो और गुलदस्ता देने दो। हाँ। तो मेरे को कहे चाचा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा भूले गए चाचा मत कहना मार दूंगा। बाप रे बाप, इतना खाया था ऐसे में लड़ाई हो गई। हाँ, और मारा कोटी हो गई। चाचा किसी बात करते हैं, आप वो पुलिस वाले को मार दिया आपने? नहीं रहा भूल के, वो 8-10 थे उनने मिलके मेरे को मारे। पुलिस पे इतने मोटे मोटे निशाने डंडे के। हाथ मत लगा। मैं देख रहा था। मत देख। तो थूके मत। अरे थूक नहीं रहा हूँ, फूक मार रहा हूँ। तो मतलब आपने पर आपको गुलदस्ता ले जाने की क्या जरूरत थी? और आप क्यों सम्मान करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का? अरे वो बाहर से आया ना, अपनी जिम्मेदारी बनती भाई। आदमी आया अतिथि क्या बोलते हैं, देवो भव। हाँ भाई बाहर से आ रहा, अपन गुलदस्ता दे देते उसको। उस काम के लिए वहाँ पर मोदी जी थे। अरे मेरे को दिखे नहीं ना मोदी जी। तो मोदी जी को बता कर जाएंगे? नहीं, मैं सोचा नहीं होंगे। मैं क्या अनुभवीगत का इतना अकड़ू है, वो घमंडी है वो आदमी है, वो पंप दिख रहा है इतने लोग बाहर है गुलदस्ता लेके आए ले हैं उसके लिए। हाँ वहीं से रवाना हो गया गाड़ी में बैठ के बेटा, मालूम क्या? अरे उन लोगों के लिए अलग रास्ता होता है। इतना बड़ा आदमी है क्या, उसका रास्ता बनाएंगे अलग से? बड़ा आदमी मालूम है कौन है? वो कौन है नहीं मालूम? नहीं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। होएगा मोदी से बड़ा है क्या वो? नहीं है ना, मोदी से बड़ा होगा तो मैं मानूंगा बड़ा है। अरे चाचा आप नहीं समझेंगे, वो अपने देश का बड़ा है और ये अपने देश के बड़े हैं। अपना देश? अपने कितने देश है तेरे पास? ढंग का मकान नहीं तेरे पास? अपना देश वो किधर का भी देश हो, मैं कह रहा देखो राजा से मिलने के लिए लोग आते। हाँ। राजा मिलने नहीं जाता, वो आया इसका मतलब मोदी बड़ा। अब मैं मानता हूँ मोदी को बड़ा। वो बात नहीं। चलिए तो कुल मिलाकर ये हुआ कि आप गए और आप गुलदस्ता नहीं दे पाए। नहीं तो दे पाए। आपको मार के भगा दिया। नहीं भगा।
मैंने गुलदस्ता नहीं दिया। हाँ। मेरे मन में बात बैठ गई बेटा वो। फिर क्या किया? 200 रुपए का लिया था, एक दिन की मजदूरी पूरी लगी थी उसके अंदर। फिर क्या किया? जैसे ही वो निकला पंप, हाँ। गाड़ी में बैठ के मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। हाँ। उसकी गाड़ी से लग लग के मैं भी चल लिया। मैंने कहा कहाँ जा रहा? मेरे को ले गया एक वो बड़े से मैदान में ले गया, वो चारों तरफ लोग बैठते जिसके क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग बैठे और बीच में बुरीकत का वो खड़ा हो गया। कौन? ये पंप। पंप नहीं, ट्रंप है। हाँ वही। ठीक है, वो आया, मैं भी गुलदस्ता लेके बैठ गया। मैंने कहा जैसे ही फ्री होगा वैसे ही दे दूंगा उसको। हाँ। फिर कहीं तो इंग्लिश में कहता रहा बहुत देर तक वो। हाँ। मैंने बगल वाले को बोला इसमें इतना अकल नहीं है क्या? क्यों? क्या अपन हिंदुस्तान आ रहे हैं? हिंदी में बोले, अंग्रेजी में कह रहा वो। उनकी हिंदी भी कौन सी अच्छी थी। हिंदी बोला और गुरीगत का कितनी गंदी बोला। हैं, क्या कह रहा? स्वामी विवेकानंदन, ऐसा कह रहा। मेरा गुरीगत के मालूम है कितना बड़ा आदमी है। हाँ, स्वामी विवेकानंद कितने बड़े है। हाँ। नाम लेते नहीं बन रहा, गलती पर मैंने बोला भारत का आदमी, छोड़ो एक गलती माफ कर दो। हाँ। हम दूसरा फिर कुछ ने गलती कर दी वही के वही। क्या कह रहा? क्या कह रहा? सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा आदमी है। हाइट में भले छोटा है पर कद कितना बड़ा है। बड़ा है। क्रिकेट का भगवान मानते हैं लोग उसको। मानते हैं। उनका नाम सचिन नहीं, सुचुन तेंदुलकर कह रहा। मैंने कहा आदमी है नहीं यहाँ पे तो उसका क्या मजाक उड़ाओगे तुम? ऐसा नहीं उठाएगा तुम। और मैंने सोचा कि चल छोड़ यार, बाहर से आया क्या इसका बुरा मानना। मैं दूसरी गलती भी उसकी माफ कर दिया। पर तीसरी बार फिर बुरे गत का वो करने बैठ गया गलती। क्या? हाँ, विराट कोहली को कह रहा। क्या? विराट कोहली। मैंने कहा अबे ओ देखो मालूम है क्या? हाँ। कितना बड़ा आदमी है वो, और कोहली में रहेगा क्या? मेरे तो बड़ा घर है बुरे गत के उसका। अरे आपको मालूम है वो कहाँ रहते हैं? कौन? डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ? व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस कह रहा, मतलब कलर बुदाने तक के पैसे नहीं उसके पास। सफेद मकान में रह रहा। और विराट कोहली को कह रहा शादी में 80 करोड़ खर्चा करा था मालूम के देखो चाचा। वो व्हाइट हाउस मतलब ऐसा चूने का और उसका मकान नहीं है, वो पुट्टी का। व्हाइट मतलब क्या होता बेटा? व्हाइट मतलब सफेद होता है। और हाउस मतलब क्या होता? अरे हाउस मतलब सफेद मकान। हम तो ये समझते भाई अभी कलर के पैसे नहीं है, व्हाइट सीमेंट पोत दे मतलब सफेद पुता हुआ मकान, बात खत्म। उसको कह देना कलर के पैसे चाहिए तो आ जाए मेरे पास, अन 200 रुपये ऊपर गुलदस्ते के दे अन कलर लेके जा बेटा। चाचा ऐसा नहीं होता, आप तो मेरी बात सुनिए। तो मतलब फिर आप वहाँ पर गुलदस्ता दिए और चले गए? नहीं, लेके तो जाऊंगा। क्यों? वो निकल गया वहां से। अच्छा अच्छा, वहां से भी वो निकल। हाँ, नहीं तो फिर भी वो रुका रहा और अगले दिन फिर वो खुल गया शहर। लेकिन मैं आपको बताऊं आपको कि आप कुछ भी समझे आप उन्हें, लेकिन जब वो वापस अमेरिका गए तो उन्होंने भारत की तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि भारत एक महान देश है। कौन सा बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया उसने जाके? बुरे गत का 2 दिन रहने के बाद वहाँ जाके कह रहा भारत मान देते, बच्चे बच्चे को मालूम है यहाँ पे भारत मान देते, उठा किसी बच्चे को अनपूछ बड़ा सबसे महान देश कौन, बच्चा कह देगा भारत, वहाँ से कह रहा कि वो कह रहा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मतलब कुल मिला के आपका ऐसा दौरा था? मेरा दौरा तो ठीक था। अगले दिन मैंने कपड़े वपड़े खरीदे, अनमें ट्रेन में आया, पेपर में आ गया वो, मेरे को वहाँ दिख गया वो पेपर में ताजमहल पे। हाँ, वो था और उसकी दो बेटियाँ थी। दो बेटी नहीं थी, एक बेटी थी, एक दामाद था और जो दूसरी थी वो उनकी पत्नी थी, श्रीमती थी। ओ बाप। हाँ। ये बाल विवाह कर लेगा इसने? बाल विवाह क्यों करेंगे वो? वो तो मेरे को बच्ची बराबर की दिख रही और ये मेरे को बुढ़ा दिख रहा। अरे ऐसी बात नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो लोग स्लिम ट्रिम रहते हैं। अच्छा खाते होंगे? हाँ अच्छा खाते हैं, मतलब उनकी ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि आपके जैसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी बेढंगा बेढंगारा। मेरे से बड़ा पेट तो तेरा है, आदमी माउंट पर उस पर चढ़ जाए पर्वत पे, तेरे पेट पर नहीं चढ़ सकता मालूम है तेरे को। देखिए हल्का है, आगे की बात करें, आगे की बात करें। दुबला तो हूँ ना मैं। तो फिर ऐसा मतलब आपका दौरा रहा, मतलब कुल मिलाकर ठीक रहा मेरा दौरा? मेरे को जमाने वो आदमी नहीं तो कौन सा उनको आपसे मतलब है? वो तो चलिए ठीक है, मतलब है बड़े लोग हैं, आप भी बड़े लोग हैं, तो चलिए तो अच्छा लगा मतलब। हाँ ठीक है। अनुकाई वो डील विल की बात भी करके गया क्या? हाँ, एक डील करी उन्होंने। हाँ। वो अपने देश को जो है 24 रोमियो हेलीकॉप्टर देकर गए हैं। यही बात मैंने जब उसमें सुनी हाँ लोगों के मुंह से, हाँ। मेरा वो आदमी के प्रति सम्मान बढ़ गया। अच्छा, बोला यार मैं इसको गालियां दे रहा था। हाँ। ये आदमी देखो कितना अच्छा निकला। हाँ। हेलीकॉप्टर दे रहा अपनी सेना को। हाँ, हाँ। तूने बोला ये तो फोकट में आदमी किसी के लिए कुछ करता है क्या आज के जमाने में? हेलीकॉप्टर दे गया वो फोकट में नहीं दिए, फिर 2.5 अरब की डील थी।
का बोलेगा इतना अच्छा है वो क्यों लेके चला गया देखो कहते रस्ते में दिलवा देता हेलीकॉप्टर में आप दिलवा देते और नहीं तो क्या कुछ भी बात कर रहे हो हेलीकॉप्टर आप कहाँ से दिलवा देते अरे पहले अपना भी काम था फिर अपन ने कपड़े का चालू कर लिया और शर्मा जी ऐड भी करते हेलीकॉप्टर बेचने का हेलीकॉप्टर बेचते आओ मैंने बेचता शर्मा जी बेचते अरे कैसी बात कर रहा चाचा हेलीकॉप्टर समझ कितने का आता मालूम आपको 1000 रुपये का आता बाजार का भाव है मतलब तुम अपने खास वाले हो तो अपन 850 में तुमको दिलवा देंगे हेलीकॉप्टर आना वो उड़ने वाला ना आओ आना ऐसा उसमें एक रिमोट आता है और उसमें बैटरी लगते हैं सेल लगते हैं तो इसे चालू करेगा तो ऐसा इतना आता है 10-12 फीट की हाइट तक जाता हूँ मैं बच्चों के हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ असली हेलीकॉप्टर देखे गए रोमियो हेलीकॉप्टर हाँ असली हेलीकॉप्टर भेजेगा शर्मा जी घर से दिख जाएंगे हाँ तो फिर हम असली की बात कर रहे हैं तो उसने कौन से फोकट पे दे दिए ठीक है ऐसे में दिए मैं वो कहते फिर भी 20-25 रुपये कम में ही दिलवाता हूँ ठीक है तो आप दिलवा देते आप बहुत बहुत महान आदमी हैं ठीक है तो ये थे चाचा जो चाचा अब हम विदा लेना चाहते नहीं ले लो विदा तुम मैं मना नहीं कर रहा तो 3-4 बार चाचा कह दिया अरे झापड़ा मार दूंगा फिर तो बुरा मान जाएगा बेटा गलती है ना हाथ दुखा इसका मतलब ये नहीं कि मैं मार नहीं सकता तो ये थे मकसूद भाई हमारे साथ ये थे मकसूद भाई हमारे साथ में जो अहमदाबाद घूमकर आए थे और मकसूद चाचा से आप भी जो बात कराना चाहते हो तो आप हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और इसे अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा फिलहाल दीजिए हमें इजाजत नमस्कार अनुष्का मेरे को तू एड्रेस देना यार जरा नहीं नहीं दे देंगे चाचा उसको गुलदस्ता उसको वापस कर लूंगा अरे ऐसी बात नहीं है आप इतना मतलब गंभीर लीजिए